आपको बता दें कि सोनम कपूर यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सोनम कपूर जो कि अनिल कपूर की बेटी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ऑफ वाइट कलर का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है। और परिवार के, आपको बता दें कि जब जानवी कपूर और खुशी कपूर अनिल कपूर के घर पर थी तो दोनों बेटियों को बहुत ही करीब से, बहुत प्यार दुलार से संभाला है सोनम ने, और सोनम दोनों बेटियों को बहुत हिम्मत बढ़ाई है और उन्हें समझाया है। और सोनम को हम देख सकते हैं कि वो एक परिवार के करीबी के साथ भीतर जाते हुए और वो अंतिम दर्शन करेंगी। जब अनिल कपूर के घर पर पूरा कपूर परिवार पहुंचा हुआ था, क्योंकि जब ये मौत हुई उसके बाद से पूरा परिवार जुहू इलाके में अनिल कपूर के घर पर था, तो जब परिवार वहां पर पहुंचा हुआ था तो जो बेटियां थी उनकी हालत बहुत ही दुखद थी। दोनों बेटियां टूट चुकी थी और सोनम कपूर जो कि एक बड़ी बहन है, चचेरी बड़ी बहन है, तो एक बड़ी बहन की भूमिका उन्होंने निभाई, बड़ा प्यार और दुलार दिया। तो आपने अभी देखा कि सोनम कपूर को भीतर जाते हुए, उनके पिता तो लगातार इस प्रक्रिया में है, सोनम कपूर भी लगातार घर के लोगों को संभाल रही हैं, दोनों बहनों को संभाल रही हैं, वो हमने अभी जाते हुए देखा। तो धीरे धीरे जो सिलसिला है वो लोगों का आने का शुरू हो चुका है, जो हमें जानकारी मिल रही है। और जैसे हमारी सहयोगी जोयता ने बताया कि जो तमाम सेलिब्रिटी हैं वो निकल चुके हैं जुहू इलाके से, बच्चन परिवार निकल चुका है, और कुछ ही मिनटों में हम कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता है जब बच्चन परिवार भी यहाँ पर पहुँचेगा। इसके अलावा खान परिवार, चाहे सलमान खान का पूरा परिवार है, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाला है, क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार पार्थिव सेलिब्रेशन क्लब में आ जाए और सेटल हो जाए। तो 3 घंटे का वक्त है, तो उस दौरान जाकर अंतिम दर्शन किया जा सकता है। बच्चन परिवार के जो सदस्य हैं वो ना केवल यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, बल्कि यहाँ से विले पालने में जो स्मशान भूमि है, हिंदू स्मशान भूमि पवन हंस के बगल में, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर भी बच्चन परिवार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होगा। चूंकि पद्मश्री से सम्मानित थी, देश का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ऐसे पर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ में विदाई दी जाएगी। तो उस जब ये विदाई दी जाएगी तो उस समय भी लोग वहाँ पर, परिवार के करीबी लोग मौजूद होंगे, और सभी को आशंका है, पुलिस को आशंका है, वहाँ के प्रबंधन को आशंका है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं, वहाँ पर भी तैयारियाँ की गई हैं। तो आप ये गेट की तस्वीरें देख रहे हैं, सेलिब्रिटी को तो आपने देखा, लेकिन जो परिवार के और भी रिलेटिव हैं, करीबी हैं, वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और कोशिश है कि किसी को भी कोई किसी भी तकलीफ ना हो। जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जो पीछे से गेट है जहाँ से आम लोगों को एंट्री दी गई है, दूरदराज से आए हुए लोगों को, वो आसानी से जाकर पैर के पास खड़े होकर उन्हें याद कर सकें, उनका आखिरी बार चेहरा देख सकें, अपनी चांदनी का चेहरा देख सकें। तो ये पूरा इस समय घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है, 12:30 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी, और एक बार जब यहाँ अंतिम दर्शन हो जाएंगे तब यहाँ से पूरा जो परिसर है वो आम लोगों द्वारा, मीडियाकर्मियों द्वारा खाली कराया जाएगा। मीडियाकर्मी बाहर चले जाएंगे, आम लोग बाहर चले जाएंगे, जो परिवार के बहुत करीबी लोग होंगे वो यहाँ पर होंगे, उनके पार्थिव को फिर से उसी एम्बुलेंस में रखा जाएगा, और फिर एम्बुलेंस में रखने से पहले एक पूजा पाठ होगी, यहाँ पर मौन रखा जाएगा, और उसके बाद में पार्थिव को एम्बुलेंस में रखा जाएगा और फिर यहाँ से ले जाया जाएगा। हमें जो मुंबई पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है कि एक रास्ता तैयार किया गया है पहले से ही, और वहाँ पर हर 200 मीटर पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है ताकि ट्रैफिक की कोई अव्यवस्था ना हो। साथ ही साथ जो एम्बुलेंस का मूवमेंट है वो काफ़ी धीरे रहने वाला है, 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाला है, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है कि कई सेलिब्रिटी भी उनके पीछे गाड़ियों में होंगे, और बहुत सारे फैंस शायद अपनी बाइक पर या अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से पीछे पीछे जाएंगे। तो बड़ी सावधानी रखते हुए गाड़ियों का मूवमेंट काफ़ी धीमे किया जाएगा। आप अमर सिंह को देख सकते हैं, आप अमर सिंह को देखें, ये जो गेट के ठीक बगल में वो फोन पर लगातार संपर्क में है। पहले ही दिन जब उन्होंने घटनाक्रम सुना तो वो परिवार के पास पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो सरकार से या सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे कुछ बात करना हो, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करना हो, तो उसमें अमर सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। परिवार के करीबी होने का जो फर्ज है वो ज़रूर वो निभाते हुए नज़र आए हैं पहले दिन से, और अभी भी वो नज़र आ रहे हैं। आप देखें तो एक परिवार के करीबी जिम्मेदार के तौर पर वो घर के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं ये जो आप टीवी स्टार हैं, टीवी स्टार मनीष पॉल यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, जो कि भीतर अंतिम दर्शन के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके साथ में पीछे और भी जो करीबी थे वो नज़र आए, और मनीष पॉल जो कि टीवी अभिनेता हैं, आपको बताएं कि बहुत सारे जो टीवी रियलिटी शो हैं उसमें भी श्रीदेवी बतौर गेस्ट जाती रही हैं, तो जो टीवी स्टार्स हैं, टीवी एंकर हैं, उनसे इंटरेक्शन समय समय पर होता रहा है, और हर कोई एक मधुर पल जो है वो शेयर करता है, एक अच्छी यादें शेयर करता है श्रीदेवी के साथ। तो यही वजह है कि जो लोग हैं जब उन्होंने सुना तो उन्हें तो विश्वास नहीं हुआ, और अब जब यहाँ पर एक मौका मिला है अपनी चांदनी को आखिरी बार करीब से देखने का, तो परिवार के लोग और यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।